लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस सीरीज में किस तरीके से पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल निकाल सकते हैं, मतलब जो फॉर्मूला है हमने उसकी डेरिवेशन देखी थी। आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी 7th क्लास की जो बुक है एक्सरसाइज 11.1 पेरीमीटर एरिया चैप्टर से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को हम जो बोलते हैं वो होते हैं परिधि। परिधि का मतलब हो गया बाहर की आउटर साइड बाउंड्री। जो एक सर्कल अगर आपको दे रखा है तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसको कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं विद रेडियस। तो आपको जब रेडियस दे रखा हो मतलब त्रिज्या दे रखी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। सो वी हैव सर्कमफेरेंस, वी हैव टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस एंड रेडियस इज गिवन। तो हम तीनों पार्ट देख लेते हैं। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई इज 22/7। अगर ये दे रखा है व्हेन इट इज गिवन तो हमें वही लेना है, या फिर हम 3.14 भी ले सकते हैं इफ इट इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन। यहां पर तो मैंडेटरी है 22/7 लेना, वेरियस इतना मैंडेटरी नहीं होता है, हम दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये वैल्यू किस तरीके से आई, डू चेक दैट आउट। आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम कब लेते हैं। पहले तो यहां पर मैं इसी तरीके से इसके सॉल्यूशन यहां पे कर देता हूं। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला हो गया मतलब परिधि का जो फॉर्मूला हो गया 2πr, सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, मैं पहले ए पार्ट कर रहा हूं 14, तो 7 × 2 तो यह आया 44 और यहां पर आ गया 88। यहां पर क्या है सेंटीमीटर यूनिट है तो हम सेंटीमीटर यहां पर लिख देंगे। इसी तरीके से आपको हर बार फॉर्मूला यहां पर लिखना है, मेक श्योर आप फॉर्मूला लिखें ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। 22/7 × 28 तो 7 × 7 = 28, 4 से 11 तो बीएससी के लिए हमारे यहां पर आ गया 44 × 4 बेसिकली इसका हमें डबल करना है तो 16 × 17 यहां पे क्या है मिलीमीटर। तो आपको यूनिट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मतलब सी पार्ट, ये बी पार्ट था। सो सी इक्वल्स टू 2πr 2 × 22/7 × 21 यह 3। सो बेसिकली यहां पर आ गया 2 × 66 तो डबल कर दो 12, तो यहां पर 12 × 1 = 13 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गए बहुत ही इजी से क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ एक के दो क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से इसको 3.14 कब यूज करना है और 2.22 कब यूज करना है जब ना दे रखा हो, मैंडेटरी ना हो। तो देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 14, 28, 21 ये 7 के टेबल में आते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं 22/7 ही यूज करूं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर उन्होंने बोल दिया टेक 22/7 तो आपको वही लेना है चाहे वो इजी हो या ना हो। अगर वो बोल देते टेक 3.14 तो आपको वही लेना पड़ेगा। अब कुछ ना बोले तो क्या लेना है, अगर वो 7 के टेबल में आता है तो 22/7 लो। अगर कुछ क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि आपको रेडियस दे दिया सपोज करो 10 सेंटीमीटर, अब देखो मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब जीरोस में हूं, या मैं ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर तब भी आपको दिखाई दे रहा 0.8 है तो मैं लेना चाहूंगा 3.14। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल। सर्कमफेरेंस क्या है 2πr 2 × 3.14 × 30 ठीक है। तो पहले आप क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 × 6 या पहले इन दोनों को कर लेते हैं कितना आ जाएगा 2 × यहां पर आ जाएगा 12, 1, 3 और 1, 4 यहां पर आ जाएगा 9। आपने ध्यान दिया होगा मैंने सिर्फ 3 से कराया है, 10 अभी भी बचा है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 4
8.18 इंटू 10 अभी भी बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करते थे समय राइट की तरफ डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा, 18.4 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो देखिए आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगी होगी, तो बेसिकली पर्पस ये है कि अगर पीछे एंड में जीरोस हो तो कोशिश करें 3.14 लें, और अगर एंड में मतलब मल्टीपल हो 22/7 मतलब 7 का मल्टीपल हो तो ये लें। तो ये चाहे तो मैंने 7th क्लास के लिए वीडियो बनाई है बट ये किसी भी क्लास के लिए वैलिड है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर लियो, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।